अकाउंटिंग इन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, व्हाट अकाउंटिंग इन रिडम्पशन ऑफ व्हाट बेटा प्रेफरेंस शेयर्स, वेयर स्टेप्स टू बी फॉलोड इन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. सो व्हाट आर द स्टेप्स वी हैव सीन. फर्स्ट वन, बिफोर प्रोसीडिंग विद द रिडम्पशन, मतलब अगर कुछ भी पार्टली पेड अप शेयर्स होगा तो उसको फुल्ली पेड अप करो, उसके लिए कंपनी हैव टू मेक अ कॉल, बराबर है, कॉल करना पड़ेगा. फिर रिडम्पशन के लिए फंड्स अरेंज करना है, उसके बाद कितना अमाउंट पेबल करना है उसका एंट्री आ जाएगा, फिर पेमेंट का एंट्री, पेमेंट कर दो, और लास्ट में आफ्टर रिडम्पशन. आफ्टर रिडम्पशन मतलब अगर कुछ बोनस कंपनी इशू करती है, बोनस शेयर इशू करती है, तो वो केस में आफ्टर रिडम्पशन, राइट, वो आफ्टर रिडम्पशन का केस है. गॉट इट? सो नाउ वी विल सी स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट वन इज व्हाट, बिफोर प्रोसीडिंग विद द रिडम्पशन. सो यू ऑल कैन सी हियर, बिफोर प्रोसीडिंग विद द रिडम्पशन, फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप एंट्री. सो सी, सो बिफोर प्रोसीडिंग विद रिडम्पशन, सो व्हाट आई सेड हियर, बिफोर प्रोसीडिंग विद रिडम्पशन मतलब रिडम्पशन करने के पहले क्या करना पड़ेगा. द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी हैव टू सी भाई सारे शेयर्स फुल्ली पेड अप है कि नहीं. क्या रिडम्पशन कर रहा है? प्रेफरेंस शेयर्स. तो प्रेफरेंस शेयर पूरा फुल्ली पेड अप होना चाहिए ना बेटा, देन ओनली कंपनी कैन व्हाट प्रोसीड फॉर द रिडम्पशन. तो अगर फुल्ली पेड अप नहीं है, अगर प्रेफरेंस शेयर पार्टली पेड अप है, बराबर, जैसे 100 रुपीज का फेस वैल्यू है बट कॉल हुआ है 80 रुपीज का, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? पार्टली पेड अप. 100 रुपीज का फेस वैल्यू है बट कॉल्ड अप कितना है? कॉल्ड अप एंड पेड अप सिर्फ 80 रुपीज है, तो 20 रुपीज तो बाकी है ना बेटा, उसके लिए कंपनी को कॉल करना पड़ेगा. कंपनी विल मेक अ कॉल एंड व्हाट, यस, वो शेयर्स फुल्ली पेड अप कर देगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी हैव टू मेक ऑल शेयर्स फुल्ली पेड अप. मेकिंग ऑल शेयर्स फुल्ली पेड अप, तो मेकिंग ऑल शेयर्स फुल्ली पेड अप के लिए क्या करना क्या है? कंपनी विल मेक अ फाइनल कॉल. फाइनल कॉल करेगी कंपनी, बराबर है, फाइनल कॉल करेगी कि भाई आपका ये 20 रुपीज बाकी है, फटाफट पेमेंट करो, उसके बाद ही हम रिडम्पशन के लिए प्रोसीड करेंगे. दैट्स इट. सो व्हाट इज द एंट्री? दैट इज फाइनल कॉल मेड ऑन पार्टली पेड शेयर. सिंपल एंट्री है, फाइनल कॉल को डेबिट करो टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा भाई, जो फाइनल कॉल का अमाउंट रहेगा उतने अमाउंट से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, राइट? तो वो फाइनल कॉल है. तो फाइनल कॉल में पहला कौन सा एंट्री आता है? ड्यू का, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल. उसके लिए एंट्री सिंपल है, फाइनल कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. तो फाइनल कॉल ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसमें फाइनल कॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फाइनल कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. दैट्स इट. कॉल कर दिया, उसके बाद मनी रिसीव होगा ना बेटा. कॉल करने के बाद पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो कंपनी का बैंक बैलेंस विल इंक्रीजेस. बैंक इज द रिसीवर, सो डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू फाइनल कॉल का पैसा आ गया. तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू फाइनल कॉल, खत्म, क्लोज. इधर डेबिट था, इधर क्रेडिट करके खत्म किया. क्लियर मालूम पड़ा? तो फुल्ली पेड अप करने के लिए कॉल की एंट्री क्लियर है, सिंपल एंट्री है, जो कि आप पहले भी इश्यू ऑफ शेयर्स में देख चुके हो, राइट? नाउ सी, नाउ व्हाट इज गिवन? मनी रिसीव्ड ऑन कॉल्स इन एरियर्स. मनी रिसीव्ड ऑन कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है, कॉल किया. अभी क्या होता है बेटा, देखो, कॉल्स इन एरियर्स, पहले भी कंपनी ने कुछ कॉल किया होगा तो सामने वाला मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया रहेगा, तो वो टाइम पे कॉल्स इन एरियर्स होगा, एरियर्स. तो अब फाइनल मोमेंट पे क्या हुआ कि वो कॉल्स इन एरियर्स का पैसा भी रिसीव्ड हो गया. तो रिसीव्ड हो गया तो बैंक बैलेंस इंक्रीजेस, तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स को, क्लोज कर दो, खत्म, बराबर है, सिंपल एंट्री है. अगर कॉल्स इन एरियर्स का मनी रिसीव्ड हो रहा है, किसी का पहले पैसा बाकी था वो आज अमाउंट पे कर रहा है, तो बैंक बैलेंस विल इंक्रीजेस, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज बैंक विल बी द रिसीवर. कंपनी का बैंक रिसीवर होगा, और बैंक सबको पता है पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर. सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स, बराबर है, याद रखना, बैंक पर्सनल, कैश रियल, बराबर है, और दोनों में डेबिट ही होता है, पैसा आएगा तो पता ही है, कैश में भी आया तो डेबिट, और बैंक इज द रिसीवर, वो भी डेबिट, इसलिए कैश बैंक देखो डेबिट ही होता है जब पैसा आता है. बट कंफ्यूज मत होना, कैश आपका रियल है और बैंक आपका पर्सनल है, ये याद रखना, बराबर, नहीं तो कैश बैंक करके खाली रियल अकाउंट सोचते हो, ऐसा मत करना. कैश रियल, बैंक पर्सनल, बराबर है, बैंक आर्टिफिशियल पर्सन टाइप हो गया ना बेटा, ठीक है.
So bank to calls in arrears, simple entry. Money received on calls in arrears. ठीक है. Now बेटा the next one is what? चलो. Okay. Now the next entry which you have to remember, that is forfeiture. ठीक है. अभी ये forfeiture का केस कब आता है बेटा? आपने final call किया, आपने reminder भेजा, फिर भी सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है, शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा है, तो कंपनी का भी एक पेशेंस का लिमिट होता है ना बेटा, एक लिमिट होता है ना, इतना कॉल कर रहा है, इतना रिमाइंडर दे रहे हैं, फिर भी पैसा नहीं दे रहा है, तो क्या करेगा कंपनी? उसका शेयर फॉरफिट कर देगा. फॉरफिट, फॉरफिट मतलब उसका शेयर कैंसिल कर देगा. ठीक है. तो फॉरफीचर, फॉरफीचर में क्या एंट्री होगी? फॉरफिट कर रहा है मतलब उसका शेयर कैपिटल कैंसिल हो जाएगा, तो शेयर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैंसिल होगा तो डेबिट. सो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट. समझो एक एग्जांपल भी दिया मैंने कि उसका फेस वैल्यू है, पूरा टोटल फेस वैल्यू 10,000 है, टोटल फेस वैल्यू 10,000 का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, वो कैंसिल कर दिया. क्यों कैंसिल किया? क्योंकि बंदे का एरियर्स मनी था, एरियर्स कॉल्स इन एरियर्स था. कितना रुपीज कॉल्स इन एरियर्स था? 4,000. और इतना कॉल किया, वी हैव मेड सो मेनी कॉल्स, मींस सो मेनी रिमाइंडर हैज बीन सेंड, फिर भी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है. तो कंपनी का भी यार एक लिमिट होता है ना, कंपनी भी एक पेशेंस लिमिट होता है कि भाई बस बहुत हो गया, बहुत नाटक हो गया, चलो फॉरफिट करते हैं. ठीक है, मालूम पड़ा, वो एकदम फाइनल स्टेज में फॉरफिट करता है. इसे में बहुत रिमाइंडर देने के बाद भी नहीं माना तो फॉरफिट करेगा. एरियर्स मतलब बेटा बाकी है. एरियर्स मतलब मैंने आपको कॉल किया कि भाई पेमेंट करो, बट आपने टाइम पे पैसा नहीं दिया, तो दैट इज व्हाट एरियर्स. और कॉल किया था मतलब कॉल करने के बाद भी आपने पैसा नहीं दिया, तो वही तो है कॉल्स इन एरियर्स. ठीक है, नहीं बराबर है? कॉल्स इन एरियर्स मतलब पैसा बाकी है, एरियर्स है वो, और फिर भी मैंने रिमाइंडर भेजा, सो मेनी रिमाइंडर हैज बीन सेंड. मैं मतलब कंपनी ने रिमाइंडर भेजा शेयर होल्डर को, भाई दे दो पैसा यार, बाकी है आपका 4,000 rupees बाकी है, दे दो यार. बराबर है? नहीं दे रहा है तो क्या करेगा? फिर फॉरफिट. ठीक है, फॉरफीचर का ऑप्शन आ गया. तो अब पूरा शेयर कैपिटल कैंसिल हो गया, 10,000 से डेबिट हो जाएगा. ठीक है, टू वाई, क्यों? उसका उसने कॉल्स इन एरियर्स, उसका जो एरियर्स था उस मनी की वजह से, तो कॉल्स इन एरियर्स को क्लोज करो, वो क्रेडिट कर दो. बराबर है? क्योंकि कॉल्स इन एरियर्स पहले डेबिट होगा, अब क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. तो कॉल्स इन एरियर्स क्लोज करो. और अब कंपनी क्या बोलेगी? बहुत नाटक हो गया भाई, बहुत कॉल्स इन एरियर्स, बहुत अटकाया मेरे को, बहुत रिमाइंडर देने के बाद भी पैसा नहीं दिया. अब जितना पैसा उसने भरा होगा ना, जितना अमाउंट उसने कंपनी के पास पेड किया होगा ना, ठीक है, अभी 10,000 में से 4,000 ही बाकी था ना उसका शेयर होल्डर का, 4,000 rupees वो नहीं दे रहा था, 6,000 तो दिया है ना उसने, 6,000 दिया है कि नहीं? तो कंपनी क्या करेगी? वो 6,000 rupees उसका कैंसिल कर देगी, फॉरफिट कर देगी. फॉरफिट मतलब कंपनी अपने पास रख लेगी, जब्त तो कर लेगी, जब्त, जमानत जब्त हो गई, सुना है ना, वैसे इधर इसका पैसा जब्त हो गया, कंपनी के पास हो जाए, कंपनी इसको सीज कर लेगी, रिटर्न देगी भी नहीं, और ऊपर से इसका शेयर, इसका शेयर्स भी कैंसिल. उसमें लॉस किसका है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का है. बराबर है? 4,000 के लिए अपना 6,000 rupees भी लॉस कर दिया उसने, प्लस प्रेफरेंस शेयर गया वो अलग. ठीक है, सो दैट इज द एंट्री ऑफ फॉरफीचर, कि शेयर कैपिटल कैंसिल होगा तो शेयर कैपिटल डेबिट. व्हाई? द रीजन इज व्हाट? क्रेडिट में दिखा देना कॉल्स इन एरियर्स था, दैट्स व्हाई. बराबर है? और फिर सेकेंड वन, उसके बाद क्या? फॉरफीचर. व्हाट? फॉरफीचर. तो फॉरफिट हो गया. क्या हो गया बेटा? फॉरफिट. कितना अमाउंट फॉरफिट हो गया उसका? 6,000 rupees, क्योंकि ये 6,000 उसने पेड किया था, और वो 6,000 rupees उसका फॉरफिट हो गया. फॉरफिट मतलब कैंसिल हो गया, कंपनी ने जब्त कर लिया, सीज कर लिया इसका पैसा. तो ये एक तरह से शेयर होल्डर को तो डबल लॉस हो गया, कि उसका 6,000 rupees भी गया, शेयर्स भी गया. कंपनी के लिए तो बेनिफिट हो गया ना. ठीक है, तो कंपनी के लिए एक तरह से बेनिफिट हो गया. तो ये जो बेनिफिट है फॉरफीचर के टाइम पे, जो भी बेनिफिट होगा वो कंपनी किधर ट्रांसफर करती है बेटा? कैपिटल फॉरफिट हुआ ना बेटा, कैपिटल कैंसिलेशन हो रहा है, तो फॉरफीचर के टाइम पे कोई भी प्रॉफिट हुआ, कोई भी बेनिफिट हुआ, तो उसको कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी. किधर ट्रांसफर करेगी बेटा? कैपिटल रिजर्व, याद रखना. सो अब आ जाओ एंट्री क्या हो जाएगी, नेक्स्ट एंट्री. ये फॉरफिटेड शेयर्स को ट्रांसफर करना है, इधर क्रेडिट है तो नेक्स्ट एंट्री में डेबिट हो जाएगा. टू, किधर ट्रांसफर करना है? कैपिटल रिजर्व. हमेशा याद रखना, फॉरफिटेड शेयर्स जो बेनिफिट होता है फॉरफिटेड शेयर्स का, वो हमेशा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि दिस इज व्हाट लाइक अ कैपिटल प्रॉफिट. कैपिटल कैंसिल हुआ है ना, कैपिटल की वजह से ये बेनिफिट आया है, तो
तो ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, दैट्स इट। तो ये एंट्री सबके माइंड में फिक्स होनी चाहिए। चलो किसी को डाउट?